वेजिटेरियंस डिलाइट पिज्जा आज बनाते हैं। नमस्कार, सोनालिका गौमे किचन में आपका स्वागत है। ये देखिए जो पिज्जा है हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये ऊपर से क्रिस्पी और सुंदर दिख रहा है और अंदर से भी बहुत बढ़िया, पीछे से भी सीखा है और अंदर से भी बढ़िया शेप आई है इसकी। ऐसी ही नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले यहाँ पे हमने वार्म मिल्क लिया है 1 कप, 2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और 1 चम्मच ड्राई ईस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएं, 5 मिनट के लिए इसको एक्टिव होने के लिए छोड़ दें। ये फ्रॉथी हो गया, मतलब हमारा जो ईस्ट है एक्टिवेटेड है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, 250 ग्राम यहाँ पे हमने मैदा डाला है। अब इसको इसमें नमक डाल लें, साथ ही साथ ओरिगानो मिक्स डाल लें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिलाएं। अब हमें एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो बनाना है पिज्ज़ा का, तो इसको अच्छे से मिला लें इस तरह से। ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा, और बिल्कुल बढ़िया सा डो बनाएं इसको सानते हुए इस तरह से। ये देखिए हमारा जो डो है ये बढ़िया शेप लेना शुरू हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बटर। बटर आप नॉर्मल या गार्लिक बटर कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने गार्लिक बटर लिया है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है पिज्ज़ा का, स्पेशली आप अगर वेज पिज्ज़ा बना रहे हो तो। और इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। अब इसको 1 राउंड चिकना होने के बाद इस तरह से गोल करके फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। हल्का पानी डाल दें, ढक करके छोड़ दें किसी गर्म स्थान पर। और 1 से 1.5 घंटे के बाद ये जो हमारा डो है फूल कर 3 गुना हो गया है। इसको एक बार पंक्चर कर ले, ये देखिए कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है ये। अब इसको हम फिर से बहुत बढ़िया से सानेंगे, तो हल्का सा वेजिटेबल ऑयल डालकर इसको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेच करते हुए और पटकते हुए हम सानेंगे बिल्कुल बढ़िया से, तब तक जब तक कि ये हमारे स्लैब पे ये चिपकना बंद ना हो जाए। अभी ये पहले काफ़ी चिपकेगा इस तरह से, और सानते सानते ये बिल्कुल बढ़िया सा स्मूथ आटा हो जाएगा और बिल्कुल से हाथ और स्लैब दोनों छोड़ देगा। तब तक हमें सानना है, इस प्रक्रिया में करीब 3 से 4 मिनट लगेगा। ये देखिए ये आटा जो है बिल्कुल बढ़िया से सन गया है, बिल्कुल इस तरह से पटकते हुए हमें इस आटे को सानना है। थोड़ा सा टॉर्चर करना है, पर इससे पिज्ज़ा बहुत टेस्टी बनेगा। और इस तरह से मिला ले इसको बढ़िया से। अब जब ये बिल्कुल बढ़िया हाथ छोड़ने लगे और ये स्लैब भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब ये आटा हमारा परफेक्ट रेडी है। अब इसको हम कट करके 2 हिस्से में बांटेंगे, क्योंकि जो आटा है ये करीब करीब आधा किलो का है और मीडियम साइज पिज्ज़ा बना रहे हो तो इसमें 2 पिज्ज़ा बन जाएगा हमारा। तो इसको 2 भागों में कट करके हम इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल स्मूथ सा डो बनाएंगे, छोटे छोटे दो लोई बनाएंगे इस तरह से। और इसको रख देंगे फिर से 15 मिनट के लिए राइज होने के लिए, तो ढक करके छोड़ दें। अब हम इसकी चटनी बनाते हैं, पिज्ज़ा सॉस बनाते हैं। 4 टमाटर यहाँ पे हमने ले लिया है क्लीन करके। इसको इस तरह से कट करें, पीछे से इस तरह से क्रॉस वाली कट लगाएं। इससे जो पिज़्ज़ा का ये जो हमारा टमाटर है छीलने समय बड़ी आसानी से छिलका उतर जाता है। और कट लगाने के बाद बिल्कुल खौलते हुए पानी में इसको डाल लें और हाई हीट पर ढक करके हम टमाटर को 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसको अच्छे से ढक के 4 से 5 मिनट हाई हीट पर पकने देते हैं। अब गैस को बंद कर दें, ढक्कन को हटाकर टमाटर को निकाल के डायरेक्ट चिल्ड वाटर में डालें इस तरह से। इससे जो है एक तो पकने की प्रक्रिया रुक जाएगी टमाटर की और ये सॉस बहुत टेस्टी बनता है, और साथ ही साथ ये जो ऊपर वाले छिलके हैं ये श्रिंक होने शुरू हो गए और बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से निकलना शुरू हो गया है। और सारे टमाटर को छील कर अब हमें इसकी प्यूरी बनानी है। इससे जो आपका टमाटर का सॉस है वो काफ़ी स्मूथ और बढ़िया टेक्स्चर वाला बनता है। तो इस तरह से छील कर डाल लें, इसको पीस लेंगे अब हम। इस बीच कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया हमने फिर से। 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालें, 1 चम्मच इसमें बटर डाल लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमने बिल्कुल पतले टुकड़ों में काटा है, एक छोटा प्याज यहाँ पे हमने डाला है। तो इसको डाल लें और अच्छे से इसको पकाएं। प्याज बढ़िया पक जाए तो 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल लें, और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से मिलाते हुए जब ये बढ़िया से पक जाए तो इसमें डालेंगे नमक, साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ओरिगानो मिक्स यहाँ पे हमने आधा चम्मच डाला है, और आधा चम्मच करीब 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। इसको अच्छे से मिला ले। अब ऐड करें इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने पीसी है, इसको ऐड कर ले। मीडियम हीट पे हम इसको पकाएंगे, बढ़िया एक उबाल आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। तो इस तरह का जब उबाल आ जाए तो इसमें 4 चम्मच नॉर्मल टोमेटो केचप या सॉस ऐड कर दें, जो हमारे घर में बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। इसको अच्छे से मिला लें बिल्कुल इस तरह से,
और एक उबाल बढ़िया सा आने दे, फिर हम गैस को बंद करेंगे। तो ये उबाल आ गया है, अब गैस को बंद कर दे और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में आप अच्छे से रखें तो 10 से 12 दिन ये फ्रिज में बड़ी आसानी से रह जाएगा। तो इस तरह से पलट के रख लें। ये टॉपिंग हमने ली है जिसमें सबसे पहले अनियन है, प्याज, टमाटर पतले स्लाइसेस में इसको हमने काट लिया है, और ये ऑरिगेनो मिक्स, चिली फ्लेक्स, पेपरिका थोड़े से पीसेस, और हरे कैप्सिकम को, शिमला मिर्च को हमने दो शेप में काटा है, और मोजरेला चीज़ लिया है। अब जो पिज़्ज़ा का डो है ये फूल कर फिर से दोगुना साइज़ का हो गया है। तो अब हमारी सारी सामग्री रेडी है कच्ची वाली, तो ग्रीस कर लेते हैं पिज़्ज़ा पैन को। तो पिज़्ज़ा पैन यहाँ पे हमने 10 इंच का लिया है, 9 से 10 इंच के बीच का है, जो कि मीडियम पिज़्ज़ा के लिए होता है। और उसके बाद उसको ग्रीस करके डस्ट करके साइड रखें। पिज़्ज़ा के आटे को हल्के हाथों से दबाते हुए फैलाएं इस तरह से। अब इसको बेल लें बढ़िया से, और कितना बेलना है ये आपकी पिज़्ज़ा पैन के साइज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और इस तरह से इसको इस तरह से स्प्रेड करते हुए बेल लें। देखिए इस तरह से पलटते हुए बेल लें, और ये जो मोटाई है इतनी होनी चाहिए, पिज़्ज़ा पैन से थोड़ा सा ये बड़ा है ऐसा होना चाहिए। अब इसको बेलन की सहायता से रोल करके उठा लें और इस पैन पे डाल दें इस तरह से। अब जो एक्स्ट्राज हमने निकाले थे उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इससे एक तो पिज़्ज़ा की, आपकी पिज़्ज़ा की शेप बहुत अच्छी आएगी, साथ ही साथ दूसरा फ़ायदा ये है कि टोमेटो सॉस या मोज़रेला चीज़ बाहर की तरफ नहीं निकलने पाता जब ये पक रहा होता है पिज़्ज़ा। तो इस तरह से करने के बाद इसमें हल्का सा आप बटर वॉश कर दें इसको, इससे बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा का किनारा बनेगा, वो ड्राई नहीं होने पाएगा। सॉस को स्प्रेड करें इसमें, और एक लेयर मोज़रेला चीज़ की डालें। चीज़ आप कितनी डालें ये आपकी स्वादानुसार मात्रा इस पे निर्भर करती है कि आपको कैसा पसंद है। बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा बनाना हो तो चीज़ की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। और जो टॉपिंग हमने डाला है घर पे बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है ये सब सारी सामग्री, तो इस तरह से हमने डाला है। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिंग डाल सकते हैं, वेज पिज़्ज़ा बना रहे हो तो अकॉर्डिंगली डाल लें। अब सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हम फिर से मोज़रेला चीज़ की एक लेयर और डालेंगे। तो इस तरह से डाल लें। अवन को हमने प्री हीट करके रखा है 220 डिग्री C पे, डबल बॉयलर मेथड पे, डबल बॉयलर पे। तो अब इसमें सारी सामग्री जो हमने पिज़्ज़ा की ली थी वो डालने के बाद इसको हम अवन में डाल देंगे। ये देखिए अब 10 मिनट में पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा। वैसे पिज़्ज़ा की टाइमिंग कितनी होगी ये आपके अवन की कैपेसिटी पे भी निर्भर करता है। तो हमारे अवन में ये 10 मिनट में रेडी हो जाता है, तो 10 से 12 मैक्स टू मैक्स लगेगा और पिज़्ज़ा आपका बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, और हल्का सा इसको बटर वॉश कर लें निकाल कर, इससे काफ़ी बढ़िया स्मूथ पिज़्ज़ा रहता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब इसको कट कर लें, ऊपर से मसालों को स्प्रिंकल कर लें। बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाला पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। इस तरह से बढ़िया सा पिज़्ज़ा तैयार करें और इसका आनंद लें। इसी तरह की नई रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।